फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एडू। फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और कॉमर्स से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स के बारे में बताया जाएगा, जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, आज हम कॉमर्स को इतने ईजी तरीके से पढ़ेंगे कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकेंगे और हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी समझेंगे और थ्योरेटिकल पोर्शन को भी समझेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा पुस्तपालन और लेखाक्रम, मीन्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसके आज थ्योरी पोर्शन को सॉल्व करेंगे और फिर आगे चल करके हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले हमें कुछ बातें जाननी होंगी, जैसे कि आधुनिक लेखांकन के जनक कौन है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक लेखांकन के जनक कौन है, तो कौन है ये? इटली के हैं ये लो लुकास पैसियोली। लो लुकास पैसियोली, अब इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण इन्हें आधुनिक लेखांकन का जनक कहा जाता है? तो इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में फर्स्ट टाइम बताया था। इन्होंने कहाँ बताया था? इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में बताया था। उस पुस्तक का नाम क्या है, ये याद कर लेते हैं। सुमा डे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनेट एंड प्रोपोर्शनेटिका। फिर से समझ लेते हैं, सुमा डी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनेट एंड प्रोपोर्शनेटिका, ये इस पुस्तक का नेम है जिसमें इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में बताया था, जिसके कारण ही इन्हें आधुनिक लेखांकन का जनक कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में समझ लेते हैं। पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है। देखिए, बुक कीपिंग, जो भी हम डेली के लेन देन करते हैं, जो भी डेली के लेन देन होते हैं, जो उनका खाता तैयार किया जाता है, जो उन्हें खातों में लिखा जाता है, उसे कहते हैं हम बुक कीपिंग। उसको हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। और जो अकाउंटेंसी होती है, इन खातों के आधार पर जो भी उनकी खतौनी, मतलब उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं, उनसे जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसे कहते हैं हम अकाउंटेंसी। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जो डेली के लेन देन होते हैं उन्हें बुक कीपिंग कहते हैं, और बुक कीपिंग के आधार पर जितने भी वर्गीकरण किया जाता है या जितना भी बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसे कहा जाता है अकाउंटेंसी। अब इसको हम डेफिनेशन की फॉर्म में समझ लेते हैं। देखिए, पुस्तपालन का अर्थ व्यापारिक लेन देन को प्राथमिक पुस्तकों और खातों में लिखना ही पुस्तपालन कहलाता है। देखिए, प्रारंभिक पुस्तकों में और खातों में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? पुस्तपालन कहलाता है। अब AICPA ने लेखांकन की डेफिनेशन बताई है। AICPA ने लेखांकन की जो डेफिनेशन बताई है उसे भी समझ लेते हैं। लेखांकन उन व्यवहारों और घटनाओं को कहते हैं जो कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति की हो, मतलब फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, जिसमें मुद्रा को प्रभावशाली तरीके से लिखने, उसका वर्गीकरण करने, उसका सारांश निकालने और परिणामों की व्याख्या करने की एक कला है। फिर से समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है, ये एक फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। जितने भी व्यवहार हमारे फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, उन्हीं को अकाउंटेंसी के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें मुद्रा को प्रभावशाली तरीके से लिखना है और उनका वर्गीकरण करना है, फिर उनसे सारांश निकालना है और फिर उनके परिणामों की व्याख्या करनी है। यही चीज़ हमारी अकाउंटेंसी में होती है। ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद करना होगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं, क्या डिफरेंस है पुस्तपालन और जो आपका लेखाक्रम है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी व्यापारिक लेन देन होता है उसे की जो प्रारंभिक पुस्तक होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पुस्तपालन कहते हैं। अब प्रारंभिक पुस्तकों और खातों के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकाला जाता है वो किस में निकाला जाता है, आपका लेखाक्रम में। इन पुस्तकों के आधार पर जो भी
हम निष्कर्ष निकालते हैं वो किसमें निकालते हैं, हम लेखा क्रम में निकालते हैं। पुस्तपालन में दिन प्रतिदिन के लेन देनों को लिखा जाता है, जबकि आपका जो लेखा क्रम होता है, जो भी हमें पुस्तपालन से जानकारी प्राप्त होती है उनका ही निष्कर्षण करने का काम जो होता है वो अकाउंटेंसी का होता है। ये डेली के कामों के लिए यूज़ किया जाता है और उन कामों का निष्कर्ष किसमें निकाला जाता है, आपका अकाउंटेंसी में। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग इसके कुछ और भी पॉइंट्स पे, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है उसे समझ लेते हैं। देखिए इसमें इसे प्रारंभिक पुस्तक कहते हैं, सिर्फ ये खाते बनाने और लिखने तक ही सीमित है, यानी कि इसका बहुत सीमित क्षेत्र है। इसमें सिर्फ खाते लिखा जाता है और खाते बनाए जाते हैं, सिर्फ इतना ही काम किया जाता है, लेकिन इसका काम बहुत विस्तृत होता है। सभी व्यापारिक निष्कर्ष निकालना, सूचनाओं का विश्लेषण करना, सभी क्षेत्रों को उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना, ये लेखांकन का काम होता है। यानी कि सारा विश्लेषण, सारी सूचनाएं देने का काम जो होता है वो लेखांकन का होता है, यानी कि लेखांकन का काम बहुत ज़्यादा होता है। ये एकदम स्वतंत्र होता है, ये किसी पर डिपेंडेबल नहीं होता, जबकि लेखाकर्म किस पर डिपेंडेबल होता है, पुस्तपालन। जो भी सूचनाएं हमें पुस्तपालन से मिलती हैं, जो भी हमें बुक कीपिंग से मिलती हैं, वहीं से हम अकाउंटेंसी का वर्क स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे डिफरेंस हो गए, हमें पता चल गया कि पुस्तपालन का काम जो होता है डेली का डेली उसका होता है, और उससे जो निष्कर्ष निकालने का काम होता है वो हमारा किसका होता है, लेखांकन का होता है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम लेखांकन की प्रक्रिया में कौन कौन से काम करते हैं, अकाउंटेंसी की बात हो रही है, पुस्तपालन में तो डेली जो भी हम लोग सेल करते हैं या फिर परचेस करते हैं उसके बारे में लिख देते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी में क्या किया जाता है। अकाउंटेंसी में सबसे पहले हम प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखना शुरू करते हैं, जो भी हमने लिखा है उसको लिखना शुरू करते हैं, व्यवहारों को लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर उनका वर्गीकरण करते हैं, यानी कि खतौनी बनाते हैं, शेष निकालते हैं, लेज़र आप लोगों को बनाना सिखाया ही है। और फिर इसके बाद संक्षिप्तीकरण, मतलब उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनको अलग अलग पार्टों में डिवाइड करने का काम किया जाता है, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं और बैलेंस शीट चिट्ठा बनाने की कोशिश करते हैं। फिर हम जितने भी आंकड़े आते हैं उनका निर्वाचन करके उनसे निष्कर्ष और उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम है प्रारंभिक लेखा पुस्तक में लिखना, फिर इसके बाद खतौनी तैयार करना, फिर लाभानी खाता तैयार करना और उससे के आधार पर बैलेंस शीट बनाना, और जितनी भी हमें नॉलेज मिली है उनसे वो सभी सूचनाओं पर निष्कर्ष करना और सभी को उनसे रिलेटेड सूचनाएं प्रदान करना। ये काम जो होते हैं लेखांकन अकाउंटेंसी के काम होते हैं। अब आ जाते हैं आगे, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य विधिवत अभिलेखन करना, मतलब विधिवत एकदम नियम कानून के अनुसार लेखांकन करना, यही इसका मेन काम होता है। दूसरा, व्यावसायिक संपत्तियों को सुरक्षित रखना। जब हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो हमें ये भी पता होगा हमने हमारी संपत्ति को कहाँ कहाँ लगा रखा है और कहाँ कहाँ हमने स्टेबल कर रखा है, तो उन सभी संपत्तियों की सुरक्षा हो पाती है। अब इसके आधार पर जब हमने अकाउंट मेंटेन कर लिया तो हम शुद्ध लाभ और हानि भी निर्धारित कर सकते हैं, हमारे बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस में हो, ये हमारे जब अकाउंट मेंटेन रहेंगे तभी हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। और जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चल गया तब हमें ये भी पता चल जाएगा हमारे व्यापार की वित्तीय स्थिति कैसी है, वो सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ भी निकालने के लिए हमें अकाउंटेंसी के बारे पर डिपेंड रहना पड़ता है, हमें हमारी शुद्ध लाभ और हानि के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और जब हमें ये सारी चीज़ें पता चल सकी हैं तभी हम एक विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, एक डेफिनेटली निर्णय ले पाते हैं। तो ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब फिर से एक बार समझ लेते हैं लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं। लेखांकन के उद्देश्य हैं कि विधिवत अभिलेख करना, नियम और कानून के हिसाब से अभिलेख करना। जितनी भी हमारी संपत्ति हैं जब हम लेखांकन करेंगे, जब हम रिकॉर्ड रखेंगे, तो वो संपत्ति हमारी ऑटोमेटिकली सुरक्षित हो जाएंगी और उसी के थ्रू हम लोग अपना शुद्ध लाभ और हानि भी निकाल पाएंगे। और जब हमें लाभ हानि पता चल जाएगा तो इससे हमें हमारी व्यापार की वित्तीय स्थिति पता चलेगी, जिससे कि हम महत्वपूर्ण और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकेंगे।
ये सारी चीजें हैं, इस उद्देश्य से हम लेखांकन का कार्य करते हैं। आखिर हम लेखांकन का कार्य क्यों करें? जिससे कि हमारे को शुद्ध लाभ और हानि का ज्ञान मिल सके, जिससे कि हम कोई डिसीजन ले सकें। अब आ जाते हैं इसके कार्य क्षेत्र पर। देखिए, कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। निजी लेखांकन, निजी लेखांकन का यूज़ कहाँ किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए कि आपका निजी लेखांकन निजी व्यापारियों के लिए, थोक व्यापारियों के लिए, और आपके फर्म्स के लिए, और ये जो जॉइंट वेंचर वाली कंपनीज होती हैं उनके लिए ये निजी लेखांकन किया जाता है। बजट निर्माण किया जाता है इसमें, इसमें ऑडिटिंग खुद की वो लोग ऑडिटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं निजी लेखांकन में होती हैं। सार्वजनिक लेखांकन में क्या होगा? बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, तो उसके लिए उन्हें अकाउंटेंसी की जो ज़रूरत पड़ती है, उन्हें ऑडिटिंग करनी है, इसके लिए भी उन्हें अकाउंटेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो सार्वजनिक लेखांकन जो होता है बड़ी कंपनियों के लिए होता है। राजकीय लेखांकन गवर्नमेंट फर्म्स, गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जाता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जो किया जाता है, उस लेखांकन को हम क्या कहते हैं? राजकीय लेखांकन। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जो निजी व्यापारियों द्वारा किया जाता है, फर्म्स थोक व्यापारी द्वारा किया जाता है, उसे कहते हैं निजी लेखांकन। और जो बड़ी कंपनियों द्वारा किया जाता है जिससे कि वो निर्णय ले सकें, ऑडिटिंग कर सकें, उसे कहते हैं सार्वजनिक लेखांकन। और जो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं राजकीय लेखांकन। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें कॉमर्स में पढ़नी है। आज हमने इतने टॉपिक के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसके जो हैं आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन को भी करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।